प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा से विभिन्न भावों में शुक्र कैसा प्रभाव देगा इसकी जानकारी देने वाला हूं। चंद्रमा की जो श्रृंखला हमारी चल रही है, आज इसमें हम शुक्र तक की आ गए हैं स्थिति पर। इसके पहले अलग अलग ग्रहों का प्रभाव बता चुका हूं, आगे मंगल और केतु की वीडियो भी आपको मिलने वाली है, तो उन सबको आप देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। पूर्व की वीडियो नहीं देख पाए हैं चंद्रमा की या अन्य ग्रहों की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी रहती है, आई बटन पर लिंक आपको मिलती रहती है, आप वहां से इन वीडियो को देख सकते हैं। चंद्रमा की और अन्य ग्रहों की वीडियो आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे। सभी ग्रहों का प्रभाव आप अपने जीवन में एक दूसरे से किस प्रकार के संबंध में है और कैसा मिल रहा है ये अवश्य जान जाएंगे। अब आज जानकारी मैं आपको दे रहा हूं शुक्र की। जीवन में सुख सुविधा भोग विलास लग्जरी कौन नहीं चाहता है, और उसे देने वाला ग्रह शुक्र को माना गया है। शुक्र को लक्ष्मी का कारक माना गया है, जीवन में लक्ष्मी प्रदाता ग्रह माना गया है। अब कुछ लोगों के मन में आता है कि धन के कारक तो गुरु है, धन के लिए शुक्र को नहीं देखना चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर मैं कहूँ कि व्यक्ति के पास सुख सुविधा की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, सब सुख सुविधा रहेंगी, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि व्यक्ति के पास सुख तब आएगा जब वो धनवान हो, धन उसके पास होगा तब जाकर के वो कोई वस्तु खरीद पाएगा। तो इसीलिए शुक्र का बलवान होना गुरु को भी मात देकर व्यक्ति को सुख सुविधा दे देता है, क्योंकि गुरु एक आध्यात्मिक ग्रह है। वो व्यक्ति को धन देते हैं, धन के कारक है, तो अच्छी अवस्था में होंगे तो धन देने का काम करेंगे, लेकिन अच्छे मार्गों से जोड़कर। शुक्र में वो बात लागू नहीं होती। शुक्र अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति से ऊपर है शुक्र। ऐसे ज्ञान में या फिर ऐसे पद में कोई मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो विद्या के बल पर, जीवन में सफलता के बल पर, आज के भौतिक युग में भी और पूर्व के समय की बात करेंगे उसमें भी शुक्र को ज्यादा बलवान माना गया। क्यों? क्योंकि देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया था, तो जब भी राक्षस से युद्ध करते थे तो उनको तो ये तो कोई छा ही नहीं कि वो किसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो। किंतु राक्षस जैसे ही मृत्यु को प्राप्त करते थे, तो आप जानते हैं कि शुक्राचार्य जो शुक्र ग्रह है उनके गुरु, वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे, उसका जो मंत्र है वो उन्हीं को ज्ञात है, और वो जितने भी राक्षस मरते थे युद्ध के अंदर उनको पुनः जीवित कर देते थे। तो इसके बल पर कोई राक्षस उसमें मरता नहीं था, और बल्कि वो उसी प्रकार से मजबूती से देवताओं का सामना कर पाते थे। तो इस कारण से जो अपने जो शुक्राचार्य है, शुक्र जो है, वो ज़्यादा उससे ज़्यादा प्रभावी बन जाते थे और ज़्यादा अपना असर दिखाते थे। वर्तमान के भौतिक युग में तो कहने की बात ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं, आप तो भगवा वस्त्र पहनकर यहाँ बैठ जाइए और पूजा पाठ में लग जाइए, तो वो चीज़ें आपको इतनी रास नहीं आएंगी। वर्तमान भागम भाग के जीवन में तो आप देखेंगे तो शहर सिटियों में तो बहुत कम हो गया है कि कोई बैठ करके कोई पूजा पाठ घर में हो रही हो। ऐसी भागा दौड़ी है कि कोई समय ही नहीं है। जब अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते तो फिर भगवान के लिए तो कहाँ से निकालेंगे। बस वो जब परेशानी आती है तब कुछ समय पहुँच जाते हैं, बाकी तो फिर समय ही नहीं है, ये बातें आ जाती है। और फिर आजकल की तो जो नव युवा पीढ़ी है वो तो बिल्कुल मानने को भी तैयार नहीं होती। अगर घर परिवार में माता पिता भी किसी प्रकार से अगर कोई बोल रहे कि ये पूजा पाठ कर लो, या पूजा पाठ वो स्वयं से कर रहे, तो उनको बोलते क्या होने वाला है इससे, कुछ नहीं होने वाला, इस तरह की धारणा वाले। खैर जो भी बात है, लेकिन शुक्र जो है ये गुरु में देव गुरु से भी आगे है, ऊपर है, और हमें जीवन में जो सुख सुविधा देखना होती है। कुंडली में व्यक्ति को अगर देखा जाए दाम्पत्य का सुख देने में, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को दाम्पत्य का सुख देने में शुक्र ही आगे है, शुक्र ही दे सकते हैं। जरा इसका पावर बदले तो व्यक्ति को चारित्रिक रूप से कमजोर कर देते हैं। जरा इसकी स्थिति खराब हो जाए तो व्यक्ति को धन आदि के लिए तो परेशान कर ही देंगे, यही कर देंगे, दूसरे ग्रह को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। शुक्र खराब है, ज़्यादा ही कोई कमजोर पीड़ित अवस्था में नजर आते हैं, तो ये देखने को मिला कि इसे व्यक्ति को धन आदि के लिए विशेष समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये मत देखिए कि दो पापक ग्रहों के साथ तो पीड़ित हो गया, वो तो ठीक है भौतिक सुख सुविधा दे देंगे वहां पर तो, लेकिन उसमें पारिवारिक सुख नहीं देंगे। तो वो हर स्थिति में, अब ये एक वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा शुक्र की,
मतलब शुक्र की जो जानकारी है चंद्रमा से वो तो मैं आज दे रहा हूं, लेकिन शुक्र की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि शुक्र दो पापक ग्रहों के साथ, तो पीड़ित इसको ना समझे। पीड़ित है ये किस लिए? ये पीड़ित है आपके, आपने किस कार्य के लिए, विशेषकर दाम्पत्य जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन के लिए अगर शुक्र दो पापक ग्रहों के साथ है तो पीड़ित है। वहां धन आदि के लिए बात नहीं आएंगे, धन आदि दे देंगे आपको, ये बात हो जाती है। तो वो अलग अलग मैं कंपैरिजन आगे करूंगा कभी, लेकिन आज आपको मैं बताता हूँ कि चंद्रमा से विभिन्न भावों में शुक्र जो ऐश्वर्य भोग के कारक है वो जब बैठेंगे तो कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा और शुक्र अगर साथ में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा भोगी कामी और अपने स्वभाव पर अपने चरित्र पर स्थिर न रहने वाला, धन आदि से संपूर्ण सुखी रहेगा और जीवन में ऐश्वर्यशाली जीवन जिएगा। लेकिन एक बात है कि व्यक्ति थोड़ा भटकाव जल्दी आ जाता है, किसी पापक ग्रह की दृष्टि में हो तो ज्यादा परेशानी स्त्री वर्ग से ही ऐसे व्यक्ति को आ जाए, किसी लड़की कुंडली में हो तो ज्यादा खराब माना जाएगा अपनी सास से या लड़के के घर में। मैं आपको बता चुका हूँ लड़के के घर में कोई भी स्त्री वर्ग हो और किसी लड़की कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग हो तो वहां एक से भी आपकी नहीं बनेगी, और तालमेल की खराबी के कारण ये वैवाहिक जीवन को भी खराब करने में सक्षम है। अगर पापक ग्रह आदि की दृष्टि हो तो ज्यादा खराब प्रभाव मिलेगा, व्यक्ति को चारित्रिक रूप से कमजोर करेगा, भटकाएगा, जो नकारात्मक हो जाएगा। इसे कितना ही गज केसरी या अन्य योग कहा जाए, लेकिन व्यक्ति अगर भोग विलास के मार्ग पर चले गया ज्यादा मात्रा में तो फिर उसे केवल रोग या परेशानी ही मिलेंगी, दूसरा और कोई चीज उसे आगे चलकर नहीं मिलेंगी। ठीक है, जब तक उसमें जोश रहेगा, बल रहेगा, तब तक तो वो सब कुछ अपना जीवन चला लेगा, लेकिन एक समय पर जब उसकी स्थिति अपने आप डाउन होने लगेगी तो ये चंद्रमा शुक्र का योग जो व्यक्ति को भोगी विलासी सुंदर आकर्षक बना रहा था वही व्यक्ति को पीछे कर देगा। तो ये चीजें आप सामने देख पाएंगे, क्योंकि सुंदरता भी व्यक्ति के समय जी मतलब शरीर पर लंबे समय तक नहीं रहती। एक ठीक एक ठीक है, अगर कुछ ग्रह अवस्था होती जैसे चंद्रमा शुक्र ही समझ लीजिए, अगर अच्छी अवस्था में है तो देखने को मिलेगा कि व्यक्ति के पास अच्छा सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व होगा, जहाँ जाएगा सबको प्रभावित करेगा, और जिस भी भाव में ये युति होंगी उस भाव में सुंदरता आ जाएंगी, उस भाव के फल को अच्छा ही कर देंगे। लेकिन व्यक्ति को स्वयं को थोड़ा सा अच्छा सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व है तो हो सकता है व्यक्ति थोड़ा भटकाव की ओर चले जाए या थोड़ा चारित्रिक रूप से कमजोर हो जाए, जो थोड़ी इस योग की नकारात्मक स्थिति है जिससे बचना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा से दूसरे भाव में मतलब आगे अगर शुक्र बैठा हो इसको मिला जुला कहा जाएगा। मिला जुला इसलिए कि धन का खर्च अधिक करवाता है, धन संचयन में थोड़ी समस्या उत्पन्न करता है, हालांकि व्यक्ति के मन को थोड़ा शांत रखने के लिए अच्छा होता है ये। लेकिन उसके अलावा भी ये देखा गया कि चंद्रमा से जब शुक्र अगले भाव में हो तो थोड़ा सा ये मिला जुला परिणाम देता है, विशेषकर स्त्री वर्ग से धोखा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर अच्छी किसी भाव में लग्न कुंडली में हुआ तो व्यक्ति के पास धन होता है, सुख सुविधा सुख सुख सुविधा से संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति, ये बात जरूर देख पाएंगे। अन्य का सहयोग मिलता है, कुटुंब का सहयोग अच्छा मिल पाता है अगर अच्छी अवस्था में हुआ तो, अन्यथा ऐसा व्यक्ति कई बार जन्म स्थान से दूर रहता है। चंद्रमा से तीसरे भाव में शुक्र हो तो इसे भी आप कहेंगे कि अच्छा फल देने वाला ही कहा जाएगा। सभी भाव में शुक्र से प्रत्येक भाव में चंद्र अपने चंद्रमा से प्रत्येक भाव में शुक्र का फल खराब नहीं होगा, सभी भावों में इसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा सिवाय छठे भाव को छोड़कर, क्योंकि छठे भाव में किसी भी ग्रह से शुक्र होगा तो उस ग्रह की हानि करेगा। जैसे चंद्रमा माता को दर्शाता है, छठे में चले गया तो माता के जीवन में थोड़ा कष्ट, संघर्ष, धन की कमी, ये सब आप देख पाएंगे, ये बातें हो जाती है कई बार। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो चंद्रमा जहाँ पर मतलब चंद्रमा है उससे तीसरे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को भाई आदि से अच्छा सहयोग मिल जाए, जन्म स्थान से दूर जाने पर अच्छा सहयोग मिल जाए, व्यक्ति जितना लोगों से जुड़ जाए उतना अधिक सफल होता जाए, ये बातें आप देख सकते हैं। यात्रा करना, छोटी मोटी यात्रा करना व्यक्ति को लाभ दे करके जा सकता है, तो यानी ओवरऑल ये अच्छा होता है, सुख सुविधा देने वाला होता है। जब भी कुंडली के चतुर्थ भाव चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र होता है तो इसे भी अच्छा माना गया है। चंद्रमा से चतुर्थ में सभी ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया लेकिन शुक्र को माना गया है, क्योंकि शुक्र भोग विलास सुखों का कारक है, चंद्रमा से चतुर्थ से भी सुखों का विचार होगा, इसीलिए ये अवस्था यहाँ व्यक्ति को सुख सुविधा देने वाली रहेगी और व्यक्ति को अच्छा परिणाम देने वाली रहेगी।
यहाँ पर ये आप देख पाएंगे कि चंद्रमा से चतुर्थ में बैठा शुक्र एक से अधिक मात्रा में भूमि भवन वाहन के सुख प्रदान करेगा। व्यक्ति जहां रहेगा ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत करेगा, अपने सुखों पर अत्यधिक मात्रा में खर्च करेगा। माता भी कहीं ना कहीं माता सहयोग मिले, माता भी अच्छा व्यक्तित्व रखती हो, अच्छा एक उनका दबदबा हो, ऐसा सब प्रभाव देखने को मिल सकता है स्थिति वशात कुंडली में कहा बैठा है उसके अनुसार। बाकी मजबूत परिणाम अवश्य है। फिर चंद्रमा से अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा हो तो ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, अपने जीवन में अपने दम पर कुछ अर्जित करने के लिए अच्छा प्रभाव है। चंद्रमा शुभ ग्रह बना हुआ है तो व्यक्ति जीवन काल में अपने धन आदि से संपन्न होगा, जीवन साथी भी अच्छा मिल जाता है, कई बार प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में संपन्न होता है। चारित्रिक कमजोरी होती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन उसके बाद भी अगर व्यक्ति सही मार्ग से लगा रहे तो कोई समस्या नहीं होती। व्यक्ति विशेषकर अन्य का सहयोग यहाँ अच्छा मिल जाता है, संतान आज्ञाकारी होती है और व्यक्ति को अच्छा लाभ देने वाली भी होती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं संतान भी आगे अच्छी प्रसिद्ध, अच्छा मान सम्मान धन से युक्त हो, व्यक्ति पहले ही उन्हें अच्छा धन दे देता है जन्म उनके होने के बाद, व्यक्ति के जीवन में धन बढ़ते जाता है, ये बात भी देखने को मिली जो अच्छा होता है। इसके अलावा चंद्रमा से छठे में शुक्र खराब होते हैं, वैवाहिक जीवन को खराब करने वाले, माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाले और जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देने वाले बन जाते हैं, जो इतनी अच्छी अवस्था नहीं है। शेयर मार्केट आदि में नुकसान कराने वाले, व्यर्थ का कर्ज बढ़ाने वाले, व्यर्थ की परेशानियों में डालने वाले बन जाते हैं। कुंडली के अच्छे भावों में हुए तो फिर ये देख पाएंगे कि व्यक्ति धीमी ही सही लेकिन अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर पाता है। लग्न कुंडली में अगर अच्छी शुभ अवस्था में नजर आते हो तो आप समझ करके चले कि चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान रखेगा, सुख सुविधा लग्न कुंडली में जिस तरह की स्थिति में होंगे उससे प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ये जो चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा आंतरिक मन को दर्शाता है। ये नहीं कहूंगा मैं कि लग्न कुंडली जैसा प्रभाव आप मैच कर लीजिए, ये आंतरिक मन को दर्शाता है, इसलिए इसके प्रभाव थोड़े बदल सकते हैं। तो इसीलिए मन में व्यक्ति को असंतुष्टि रहे, जीवन साथी से तालमेल अच्छे ना रहे, ये सब बातें हो सकती है। सप्तम में हो तो भी इसी प्रकार कहूंगा कि जीवन साथी से जो अपेक्षाएं हैं वो व्यक्ति की पूरी ना हो सके, भले ही जीवन साथी कितना ही सर्वगुण संपन्न, परिस्थिति को मैनेज करने वाला या जीवन काल में सभी को साथ लेकर चलने वाला ही क्यों ना हो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तालमेल में कमजोरी, अन्य स्त्री का आगमन और प्रॉब्लम परेशानी का बढ़ जाना, ये सब बातें बन जाती है। झूठे आरोप लगना, ये सब बातें भी यहाँ देखने को मिली। तो थोड़ा मिला जुला वैवाहिक जीवन के लिए होता है, सुख सुविधा व्यक्ति अर्जित कर पाता है, सुखों में रहने की चाहत होती है, इसलिए अपने सुखों पर खर्च भी करता है, जीवन साथी भी सुंदर और खर्च करने वाले स्वभाव का ही मिलता है, ये बातें देखने को मिली। चंद्रमा से फिर अष्टम में शुक्र हो, मिला जुला कहेंगे लेकिन व्यक्ति को गुप्त विषयों का ज्ञान होता है, व्यक्ति गहराई तक किसी विषय को सीखता है, जानता है, खोजता है और अपने विषय में अगर पकड़ अच्छी मजबूत रखे तो व्यक्ति सफल भी होता है। एक्टिंग के लिए, एक्टिंग से जुड़े क्षेत्रों के लिए यह प्रभाव अच्छा होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त कर पाता है, अन्य का सहयोग भी प्राप्त कर पाता है। थोड़े झूठे आरोप आदि ज़्यादा लगते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर चारित्रिक रूप से भटक जाए तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे बचना चाहिए। चंद्रमा से नवम में शुक्र हो तो थोड़ा धर्म के लिए तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ व्यक्ति को अन्य का सहायक बनाएगा, अन्य की सहायता करने वाला बनाएगा, व्यक्ति भाग्यशाली होगा, व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अपनी मेहनत से सफलता अर्जित कर पाएगा। ज़्यादा मेहनती तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जितनी मेहनत करेगा मन लगा कर करेगा और उससे सफल भी हो पाएगा। बाकी चंद्रमा से नवम में गुरु हो तो पिता धनवान हो, पिता के पास अच्छा धन आ जाए ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद, ये सब बातें भी देखने को मिली जो एक अच्छा पक्ष है इसका होता है। या आपका जो आपके जो नाना हो, वो नाना वर्ग या फिर मामा वर्ग बोलिए, वो अच्छे धनवान हो, ये बातें भी कई बार ये शुक्र दर्शाता देखा गया, जो नॉर्मली अच्छा होता है, भले धन की प्राप्ति उनसे हो या ना हो, ये दर्शाने की बात मैं कर रहा हूँ। व्यक्ति दूर स्थान से जुड़ जाए, जन्म स्थान से दूर चला जाए तो अच्छा प्रभाव विशेष रूप से प्राप्त हो पाता है। चंद्रमा से दशम में शुक्र हो तो अच्छा होता है, ये अमला योग बनाता है, व्यक्ति को जीवन में सफल भी करता है और व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से सफलता प्राप्त कर पाता है। और कहीं ना कहीं विशेषकर प्रेम में धोखे एक बार तो कम से कम मिल ही जाता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से काम करने वाला, सबके लिए सोचने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, ज्ञानवान बुद्धिमान, अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से जीवन में प्रसिद्ध होने वाला अवश्य से होता है। जहाँ रहता है अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बना लेता है, यानी अच्छा होता है। बस
थोड़ा सा चारित्रिक कमजोरी अपने व्यापार अपने कार्य में अगर ऐसा व्यक्ति ले आता है, नौकरी में भी हो तो भी ले आता है, तो ऐसे व्यक्ति को परेशानी फिर बहुत आती है, उससे बचना चाहिए। चंद्रमा से अगर एकादश में शुक्र हो तो ये भी अच्छा है, धन आदि अच्छे मार्ग से लाने के लिए, अन्य लोगों से जुड़ना, स्त्री वर्ग से अच्छा लाभ होना, ये सब बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। चंद्रमा से लाभ भाव में शुक्र हो तो किसी स्त्री के आगमन से आपके जीवन में सफलता बढ़ती है। स्त्री का आगमन मतलब विवाह होने के बाद आपकी सफलता बढ़ती है, जैसे दशम में हो, एकादश में हो, नवम में भी हो, पंचम चतुर्थ या द्वितीय भाव में हो, तो ये देखने को मिला कि जीवन में विवाह होने के बाद तरक्की आपकी बढ़ती है, जो एक अच्छी बात है। और लाभ में होने पर भी यही देखने को मिला कि व्यक्ति अच्छा लाभ कमाता है, दूर देशों से जुड़ना चाहे जन्म स्थान से दूर या फिर कहीं बाहर विदेश भी जाना चाहे तो व्यक्ति के लिए ये शुक्र अच्छा होता है। चंद्रमा से 12वें के शुक्र को थोड़ा सा मिला जुला ही कहा जाएगा जरूर, ये अगर मैं कहूँ कि चंद्रमा को बल प्रदान करेगा, आगे वाले भाव को बल देता है, लेकिन चंद्रमा चूंकि मन है और उससे 12वें में अगर शुक्र हो तो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी कल्पना करने वाला, बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचने वाला हो जाता है। हालांकि चंद्रमा की दशा अच्छी हो जाएंगी, लेकिन चंद्रमा में शुक्र का अंतर तो विशेष रूप से खराब ही रहेगा। तो ये बात है ना कि चंद्रमा से 12वें में शुक्र होने पर खर्चीले प्रभाव को बढ़ाए, व्यक्ति को भटकाए ज्यादा, व्यक्ति को थोड़ा कामुक ज्यादा बना दे, थोड़ा चारित्रिक रूप से कमजोर कर दे, वो सब बातें आ सकती है जो थोड़ा मिला जुला परिणाम इसका बढ़ा देती है। बाकी सुख सुविधा धन आदि के लिए कमजोरी नहीं देता। हाँ, व्यक्ति सही तरह से बचा ना पाए तो फिर परेशानी आ जाती है, लेकिन सही मैनेजमेंट कर ले तो जीवन में सफल भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। इसे थोड़ा कमजोरी कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति सफल है, अपने जीवन में अच्छा प्रभाव ले पाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने चंद्रमा से बनने वाले सुनफा अनफा की चर्चा नहीं की है, बस केवल सामान्य शुक्र का जो प्रभाव है वो छोटे वर्डों में, शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है। आप अपनी कुंडली में देखिए किस अवस्था में है और जो बातें हैं उसमें जोड़ते जाइए उस भाव के अनुसार, तो आप सटीक प्रभाव इसका जान पाएंगे। बाकी आगे कभी और विस्तार इसको देना हुआ, अलग अलग भाव में इसकी जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा। आगे उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे, और आगे आपको इसमें मंगल और जो केतु की वीडियो बची है वो भी आगे आपको कुछ ही दिनों में मिलेंगी, उन्हें देखने के लिए भी आप चैनल के साथ जुड़े रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत